केंद्र सरकार वालों अनलॉक 4 को लैके गाइडलाइनस जारी कर दित्तियां गईयां ने। इन्हां गाइडलाइनस दे विच केंद्र सरकार ने पैंडेमिक एक्ट दियां पावर्स यूज़ करते हुए सूबियां दियां सरकारां दे उत्ते फुल स्टॉप लगा दिता। कहने तो मतलब ये कि अनलॉक 4 नूं लैके 1 सितंबर तो 30 सितंबर तक जो गाइडलाइन जारी होईयां ने उही गाइडलाइनस सूबियां नूं इन बिन लागू करनियां पैणगियां, यानी कि किसी भी तरह की एक्सट्रा कोई भी पाबंदी सूबियां दियां सरकारां नहीं लगा सकदियां। किसी भी जिले का डीसी अपने जिले दे विच पाबंदियां वधा नहीं सकता। जो पाबंदियां केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 नूं लैके लागू कीतियां ने, इंप्लीमेंट कीतियां ने, उही जो पाबंदियां अनलॉक 4 नूं लैके लगियां रहणगियां। पंजाब सरकार की गल कर लेने हैं। पंजाब सरकार वालों जिस तरीके के नाल लगातार पाबंदियां लगाई गई ने, सब तो पहला लॉकडाउन करफ्यू पंजाब सरकार वालों देश के विच लगाया गया सी केंद्र सरकार तो बाद। लेकिन हुण अगर गल करिए पंजाब सरकार जिस तरीके नाल हर आए दिन कोई ना कोई बयान दिंदी है कि सख्तियां वधा दित्तियां जाणगियां। हुण ऐसे माहौल दे विच जदों केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 नूं लैके गाइडलाइनस जारी कर दित्तियां ने, ऐसे माहौल दे विच पंजाब सरकार केंद्र तो ज़्यादा पाबंदियां किस तरह लगाएगा। हालांकि सूत्रां दे हवाले तो पुख्ता सबूत सूत्रां दे हवाले तो एक खबर है कि कल पंजाब दे मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दी अफसरशाही नाल एक मीटिंग करनगे, जिस मीटिंग दे विच वो एक प्रपोजल बनाउणगे, जिस प्रपोजल दे विच वो केंद्र सरकार नूं कहणगे कि पंजाब दे विच वो ज़्यादा पाबंदियां लगाउणियां चाहुंदे ने, क्योंकि पंजाब दे विच केसेस लगातार वध रहे ने। इसे मद्देनज़र कल जो मीटिंग होएगी पंजाब दे मुख्य मंत्री इस मीटिंग दे विच केंद्र कोल एक प्रपोजल भेजणगे अफसरशाही दे जरिए, क्योंकि अफसरशाही लगातार गाइडलाइनस दे उत्ते काम कर रही है कि पंजाब दे विच किस तरीके नाल गाइडलाइनस लागू कीतियां जाण, किस तरीके ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ तो जड़ियाँ गाइडलाइनस है ये लागू कीतियां जानियां, तो उसनूं लैके लगातार अफसरशाही है जिहड़ी काम कर रही है। हुण अफसरशाही दी कल एक मीटिंग है, जिस तरीके नाल मैं पहलां भी दस्सिया इस मीटिंग दे विच कई सारे फैसले लए जाणगे। इन्हां फैसलियां दे आधार ते ही तय किया जाएगा कि पंजाब दे विच वीकेंड लॉकडाउन अते नाइट करफ्यू होवेगा कि नहीं। हालांकि अगर केंद्र सरकार की गल करिए तो उन्होंने अपनी अनलॉक 4 दी गाइडलाइनस विच नाइट करफ्यू अते वीकेंड लॉकडाउन दे उत्ते कोई भी गलबात नहीं की, कोई भी चर्चा नहीं की। इस तरीके का कोई भी शब्द इन्ह गाइडलाइनस दे विच नहीं लगाया गया, लिखा गया, जिस शब्द तो पता चल सके कि वीकेंड लॉकडाउन या नाइट करफ्यू होएगा। इस तो सीधा सिद्ध होंदा कि केंद्र सरकार वीकेंड लॉकडाउन अते नाइट करफ्यू नूं 1 सितंबर तो लागू नहीं करेगी, यानी कि जो दुकाना है दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी पहला वाला टाइम सी, इस पेंडेमिक तो पहला वाला टाइम या कि यानी कि इस महामारी तो पहला वाला टाइम जो चलता सी, उस टाइम के अकॉर्डिंग दुकानदार शॉपिंग मॉल खोल सकणगे, उस तरीके नाल कारोबार चल सकणगे। लेकिन पंजाब सरकार इस गल ते अड़ी हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस गल ते अड़े हुए ने कि पंजाब दे विच वो इन्नी खुल नहीं देणगे जिन्नी खुल केंद्र सरकार दीआं गाइडलाइनस दे विच दित्ती गई है। तो इस नूं लैके कल जिहड़ी मीटिंग मंथन होएगा, उस मीटिंग मंथन दे विच ये गल तय की जाएगी पंजाब सरकार वालों कि वो किहड़ियां-किहड़ियां पाबंदियां ज़्यादा लगाउणगे केंद्र दी गाइडलाइनस तो इलावा। तो इस नूं लैके लगातार कल नूं फैसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके नाल मैं पहले दस चुकिया कि भरोसेयोग सूत्रां दे हवाले तो एक खबर है कि पंजाब सरकार नाइट करफ्यू नहीं ख़त्म करेगी, पंजाब सरकार वीकेंड लॉकडाउन नहीं ख़त्म करेगी। इसे तरीके के नाल वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा और नाइट करफ्यू जारी रहेगा। तो इस नूं लैके पंजाब सरकार वालों एक सख्त फैसला जिहड़ा कल नूं लिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इस नूं मानदी है या नहीं मानदी ये वेखण वाली गल होएगी, लेकिन पंजाब सरकार अपना जिहड़ा फैसला वो जरूर केंद्र सरकार नूं दसेगा। एक रिक्वेस्ट कर सकता है केंद्र सरकार नूं कि वो ज़्यादा जिहड़ा पाबंदियां लगाउणा चाहुंदे ने। हालांकि केंद्र सरकार वालों 21 सितंबर तो बाद ये गल कही गई है कि स्कूलों के विच 50% स्टाफ बुलाया जा सकता है, तो 9वीं तो लैके 12वीं तक जिहड़े भी स्टूडेंट ਕੰਸਲਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ कोई प्रोग्राम होवे, उहदे विच 100 तो ज़्यादा इकट्ठ 21 सितंबर तो बाद किया जा सकता है। लेकिन पंजाब सरकार इस इकट्ठ नूं अलाउ करती है या नहीं करती, इस तो इलावा बच्चों को स्कूल जान दिंदी है या नहीं जान दिंदी, वीकेंड लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता, नाइट करफ्यू रहिंदा या नहीं रहिंदा, उस ते कल मंथन करेगी ते केंद्र सरकार नूं ये गल कहेगी कि वो अपना ये वीकेंड लॉकडाउन और नाइट करफ्यू जारी रखना चाहते हैं। इस तो इलावा स्कूल खोल के बच्चों की जान जोखिम दे विच नहीं पाना चाहते। तो ये भरोसेयोग सूत्रों के हवाले तो पंजाब सरकार के सूत्रों के हवाले तो ये खबर है और कल नूं इस खबर के उत्ते शायद इस न्यूज़ के उत्ते कोई अपडेट पंजाब सरकार जरूर देगी, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार ये पहला भी कह चुकी है कि पंजाब सरकार सख्ती करेगी, किसी भी तरह की ढिल नहीं देगी। कैमरामैन दीपक के नाल रविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 94 374 94 648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तले हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।